क्वेश्चन नंबर 16, सुनामी, TSUNAMI, सुनामी मतलब जो दरिया किनारे बहुत बड़े बड़े वेव्स आते हैं और एकदम स्पीड में आते हैं, इतनी स्पीड में आते हैं और इतने बड़े बड़े होते हैं कि दरिया के किनारे जो भी बस्तियां होती है या जो भी लोग होते हैं या जो भी चीज होती है उसे भी अपने साथ बहा के दरिया में लेके जाते हैं। तो इतने बड़े मोजे ऐसे आते हैं उसे बोलते हैं सुनामी। सुनामी ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 आवर में 60 किलोमीटर की सुनामी की ट्रेवल स्पीड है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके हिसाब से नीचे के क्वेश्चन के आंसर देते हैं। फर्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन चेन्नई एंड पांडिचेरी इज 600 किलोमीटर। चेन्नई और पांडिचेरी दोनों दरिया किनारे आए हुए सिटीज हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या है? देन सुनामी विल टेक टाइम डैश आवर्स टू ट्रैवल बिटवीन देम। अगर दोनों के बीच में 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो सुनामी को इस स्पीड से चेन्नई से पांडुचेरी जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमें ढूंढना है। इसके लिए हम बनाएंगे इक्वेशन। कैसे इक्वेशन बनाएंगे? ये स्टेटमेंट में से ही बनाएंगे। क्या स्टेटमेंट है? 1 आवर में 60 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे शॉर्ट में 1 आवर 60 किलोमीटर। वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, खाली नंबर ही लिखते हैं। 1 आवर 60 किलोमीटर सुनामी जा रहा है। तो ये 600 किलोमीटर डिस्टेंस हाउ मेनी आवर्स में कवर करेगा? 600 किलोमीटर के लिए आवर्स के नीचे आवर लिखना है, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिखना है। तो 600 किलोमीटर के नीचे कितने आवर्स लगेंगे, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ठीक है, अब आमने सामने जो नंबर होते हैं उसकी पैर बनाते हैं ऐसे क्रॉस में, देखा? तो 1 आवर के साथ 600 किलोमीटर, 60 किलोमीटर के साथ क्वेश्चन मार्क, ऐसे क्रॉस में लेना है। अब उसको लिखेंगे ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कैसे? तो जिस पैर में दोनों नंबर आते हैं वो दोनों नंबर वाली पैर हम न्यूमरेटर मतलब ऊपर लिखते हैं, और जिस पैर में क्वेश्चन मार्क आता है वो पैर का नंबर हम लिखेंगे डिनोमिनेटर नीचे लिखेंगे। और ये जो दो नंबर हम लिखेंगे उसमें साइन करेंगे बीच में मल्टीप्लिकेशन का। देखो 1 आवर मल्टीप्लाइड बाय 600 किलोमीटर और ये 60 किलोमीटर लिखेंगे हम नीचे। अब ऊपर नीचे जो नंबर आते हैं ए और ये ऊपर नीचे, तो डिवीजन होता है, ए और ये ऊपर नीचे है डिवीजन होता है, कटिंग करेंगे। ठीक है, किलोमीटर के साथ किलोमीटर कट हो गया, ये लास्ट जीरो के साथ इसका लास्ट जीरो कट हो गया, यहाँ पे बचते हैं 6, यहाँ पे बचे 60। अब 60 को 6 से डिवाइड करना है, तो 6 के टेबल में 60 आता है, हाँ 6 टेंस आर 60, अपना आंसर है 10। मगर जब इस तरह से हम कटिंग करते हैं तो जिस बाजू बड़ा नंबर होता है उस बड़े नंबर में किस साइड हम आंसर लिखते हैं, मतलब 6 से 60 बड़ा है तो जो आंसर 10 है वो हम 60 जो न्यूमरेटर के ऊपर है तो आंसर भी हम न्यूमरेटर के ऊपर लिखेंगे, नीचे नहीं लिखने को, ऊपर लिखना है। तो ये दोनों कटिंग हो गया, अब नीचे कुछ नहीं बचा, मत कुछ नहीं बचा मतलब 1 तो हमेशा रहता ही है, आपको पता है 1 मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में न्यूट्रल रहता है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर वो नंबर खुद होता है, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो आंसर वो नंबर खुद होता है, इसलिए 1 को न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, ऊपर है 10 और यहाँ पे है 1, दोनों के बीच में है मल्टीप्लिकेशन, करो 1 टेंस 10। ये आवर हमने कैंसल नहीं किया, किलोमीटर कैंसल हो गया, आवर है तो आंसर में लिखेंगे आवर्स, तो अपना आंसर आया 10 आवर्स और वो ही हम ऊपर लिखेंगे 10। अब लिखेंगे दूसरा, इफ रेड बिकम्स 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब स्पीड थोड़ा चेंज हो गया है, अभी 2 आवर्स में 100 किलोमीटर जा रहा है तो हम इक्वेशन में लिखेंगे 2 आवर्स 100 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? टाइम टेकन बिटवीन 2 सिटीज विल बिकम डैश आवर्स। तो अब ये 600 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, कब, जब 2 आवर्स में 100 किलोमीटर का स्पीड है, तो ये इक्वेशन बनाते हैं। 2 आवर्स
100 किलोमीटर, तो 600 किलोमीटर के लिए कितना आवर्स, किलोमीटर के नीचे ही किलोमीटर लिखना है और आवर्स के नीचे आवर्स का क्वेश्चन, ठीक है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस में लेते हैं पैर बनाते हैं, टू के साथ 600 नंबर का पैर बनेगा, क्वेश्चन मार्क के साथ 100 का पैर बनेगा, ये दोनों न्यूमरेटर में आएंगे और ये वाली पैर क्वेश्चन मार्क वाली नीचे जाएगी, दोनों के बीच में रहेगा मल्टीप्लीकेशन। किलोमीटर के साथ किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, लास्ट जीरो के साथ इसका लास्ट जीरो कैंसिल हो गया, इसके जीरो के साथ ये वाला जीरो कट हो गया, तो यहाँ पे रहा वन जो न्यूट्रल है, ठीक है। नीचे सब खत्म हो गया, अब बचा है सिक्स और टू, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है और वो टू सिक्स 12 और ये यूनिट बचा है आवर्स, तो आंसर है 12 आवर्स, लिखेंगे यहाँ पे 12 आवर्स। इस तरह से इक्वेशन बनाते हैं, जो यूनिट होते हैं यूनिट के नीचे सेम यूनिट लिखना होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम दोनों नंबर वाली पैर ऊपर और क्वेश्चन मार्क वाली पैर नीचे लिखते हैं और फिर उसको ऊपर नीचे डिवीजन करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्व करते हैं, समझ में आया।